हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इन इंडिया डॉट कॉम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी साथ ही साथ डीआरडीओ एमटीएस बिहार अमीन ये सभी का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे, बिहार एसटीईटी का जो है एग्जाम हुआ है उसका आंसर किया गया है। आंसर के आने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो तो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि एनालिसिस करने से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना सेफ स्कोर जो है, ये जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पूरा जो है ये सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो नया स्टूडेंट है उन लोग को बता दो, इस चैनल को वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, सभी का जो है क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है, साथ ही साथ सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है दोस्तों। और ये चैनल पे लगभग 850 प्लस एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके हैं। ठीक है, और ये एक बिहार का एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, जो कि आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, तभी जो है सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, और क्लासेस का पीडीएफ के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे studyindia.com वेबसाइट बना लिया गया, यहाँ पे क्लासेस का पीडीएफ आसानी से अपलोड कर दिया जाता है, यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ को। कट ऑफ को बात करने से पहले आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यहाँ पे जानना जरूरी है, जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था, क्योंकि उस चीज को डिपेंड करता है कट ऑफ में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोगों के लिए कट ऑफ, जो मैं यहाँ पूरा डिटेल्स करके जो है एक सर्वे के अकॉर्डिंग में कट ऑफ तैयार किया हूँ। सभी ब्रांच का यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को टिल लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो 11 से 12 यानी 11वीं 12वीं का जो है वो कट ऑफ है। ठीक है, ये वीडियो में हम लोग 11वीं 12वीं का जो 12,065 सीट आया था उसका कट ऑफ मैं बता रहा हूं दोस्तों। 9वीं 10वीं का जो कट ऑफ है, ऑलरेडी मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, 25,270 सीट जो था इसका ऑलरेडी वीडियो बना लिया हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल के जो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये अवेलेबल है, देख सकते हैं ये जो है 11वीं 12, यहाँ पे 9th 10th का ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की का जो है वीडियो यहाँ पे बना दिया गया है। और ये जो अभी मैं ये वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ वो है 11th एंड 12th का ये है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है चयन प्रक्रिया क्या था इसमें होने वाली है। तो चयन प्रक्रिया में दोस्तों मेन तो ये बात यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है, खंड खा में जो दिया गया है वो है उक्त परीक्षा में समान अंक जिसका प्राप्त रहेगा दोस्तों, जो 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 स्टूडेंट का समान अंक जो रहेगा उसको जो है, जिसका उम्र ज्यादा रहेगा उसको जो है सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा मेघा सूची बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे दे रखा है। सेकंड थिंग क्या दे रखा है कि समान प्राप्तांक एवं जन्म तिथि दोनों सेम होने में, अगर नंबर भी सेम है और जन्म तिथि भी सेम है तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्रेजुएशन के आपका मार्क्स है उसके मार्क्स में जिसका मार्क्स ज्यादा होगा उसको जो है सबसे फर्स्ट वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, और क्या इन्होंने बोल रखा है, थर्ड में क्या रखा है दोस्तों, समान अंक समान जन्म तिथि एवं समान स्नातकोत्तर, कहने का मतलब अंक भी आपका एग्जाम में सेम है और जन्म तिथि भी सेम है और जो यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्क्स भी सेम है, उस स्थिति में अगर अल्फाबेटिकल जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे उसको वरीयता सबसे पहले दिया जाएगा। ये तो इन्होंने ऑफिशियली में मेंशन कर रखा है। और एक बड़ी बात और है दोस्तों, वो चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ जो है दोस्तों आपका जो 150 नंबर का जो एग्जाम हुआ है, 150 नंबर में आपको 50% अगर मार्क्स आप लाते हैं, यानी 50% यानी 75 नंबर अगर लाते हैं जनरल कैटेगरी के, तो आप पास घोषित, कहने का मतलब आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन एक कंफर्म नहीं है कि आपको जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम सीट के अकॉर्डिंग जो है वहां पे हाईएस्ट से सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे दोस्तों की जो है बिहार सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयावार एवं कुल कोटिवार कुल पदों को बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 14 में क्या दे रखा है, ये 13 नंबर जो ये
कंडिका है, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, प्रमाण पत्र की वैधता। कहने का मतलब आपको जो है यहाँ पे जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो सभी का जो है यहाँ पे दोस्तों प्रमाण पत्र दिया जाएगा क्वालिफाई की, आप क्वालिफाई कर चुके हैं और वो प्रमाण पत्र का वैलिडेशन 7 ईयर का होने वाला है। ठीक है, ये जो है ये आपका जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब हम लोग दोस्तों ये सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाले हैं उस चीज को डिटेल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसमें हम लोग 11th 12th का अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, ये सभी का जो हम लोग देखने वाले हैं 11th 12th के लिए। ठीक है दोस्तों, कि क्या कट ऑफ होने हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सर्वे जो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का सर्वे, मैंने कमेंट भी बहुत देख रहा था दोस्तों, और सर्वे भी यहाँ पे किया गया था, बहुत से स्टूडेंट के द्वारा भी सर्वे किया गया था। देख सकते हैं इतना से इतना के बीच ये जो पूरा जो है एनालिसिस करके यहाँ पे कितना कितना स्टूडेंट के नंबर आए थे, कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किए किए थे और अपना नंबर को शो किए थे कि इतना इतना नंबर मेरा आ रहा है, इतना इतना के बीच में आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों। ये कट ऑफ एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -5 नंबर भी हो सकता है, प्लस में तो जितना भी मैक्सिमम हो सकता है दोस्तों वो जो है आपको जो है क्वालिफाइंग यहाँ पे मेगा सूची के लिए सबसे बेस्ट होगा, लेकिन -5 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है मैं एक्सपेक्टेड स्टूडेंट के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये कट ऑफ को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 11, 12 का दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी विषय वालों को देखते हैं। अंग्रेजी में कितना सीट था, 2125 सीट था। अंग्रेजी में कितना सीट था, 2125 सीट था। इसका कोड की बात करते हैं तो 201 कोड था दोस्तों। तो यहां पे जो यहाँ पे जनरल वालों की कट ऑफ हो सकती है 106 के आसपास, अगर आपका नंबर है तो आप सेफ स्कोर में दोस्तों। फीमेल में अगर 102 के आसपास जनरल कैंडिडेट का आपका नंबर है तो आप भी सेफ स्कोर में है। वही बात करते हैं बीसी का, तो 100 के आसपास आपका नंबर है तो आप सेफ स्कोर में है। फीमेल में 97 के आसपास आपका नंबर है तो आप भी सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों, तो 98 के आसपास आपका नंबर है तो आप सेफ स्कोर में है। वही 95 के आसपास अगर फीमेल में आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है। ईबीसी की बात करते हैं, 95 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो सेफ स्कोर में है। 90 के आसपास आपका अगर नंबर आ रहा है तो ये आप सेफ स्कोर में है, यहाँ पे ईबीसी कैंडिडेट। बात करते हैं एससी के में, अगर 90 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर मेल कैंडिडेट के लिए हो गया। फीमेल के लिए 88 के आसपास नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, 85 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है। वही फीमेल में बात करते हैं, 80 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है। -5 ये इतना तक भी यहाँ पे वेरिएशन दिख सकता है दोस्तों, क्योंकि ये स्टूडेंट के सर्वे के अकॉर्डिंग में कट ऑफ को बताया जा रहा है। अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। विज्ञान वालों में यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सीट की, बात करते हैं सीट कितना है, 2384 सीट है। कितना, 2384 सीट है। इसका कोड है 203 है। जनरल में अगर बात करते हैं मेल का 108 के आसपास नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है। फीमेल में 105 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है। बात करते हैं बीसी कैटेगरी का, 101 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में दोस्तों। 92 के आसपास भी आपका नंबर आ रहा है फीमेल कैंडिडेट तो आपका भी सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस से बात करते हैं, 97 के आसपास आपका नंबर आ रहा है विज्ञान में यहाँ पे मेल कैंडिडेट का तो आपका भी सेफ स्कोर है। फीमेल में 90 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है। ईबीसी की बात करते हैं, 92 के आसपास मेल में अगर नंबर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर है। फीमेल में 86 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 88 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है। 77 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए। बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी का, तो 80 के आसपास आपका नंबर आ रहा है एसटी कैटेगरी में तो आपका भी सेफ स्कोर है। यहाँ पे 70 के आसपास आपका नंबर आ रहा है फीमेल कैंडिडेट तो आपका भी सेफ स्कोर है। और जो स्टूडेंट अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किए, फटाफट ऑब्जेक्शन जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्शन कीजिएगा तभी आपको बेनिफिट और भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर किन्हीं क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए, उसमें रेफरेंस तगड़ा लगाइए, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन रहेगा तभी उस पर कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्शन बेहिचक कीजिए, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वनस्पति शास्त्र का। वनस्पति शास्त्र का टोटल सीट 835 है, इसका कोड संख्या 206 है दोस्तों। जनरल कैंडिडेट में 111 नंबर है तो आपका भी सेफ स्कोर है, क्योंकि सीट यहाँ पे कम था। ठीक है, सीट कम था इसी वजह से नंबर दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई दिखने को मिल सकता है, यानी 100+ से ज्यादा मैक्सिमम चांस है।
बात करते हैं जनरल कैटेगरी 101 के आसपास आपका नंबर था तो सेफ स्कोर में है, 107 के आसपास आपका नंबर आ रहा है फीमेल कैंडिडेट तो आपका भी सेफ स्कोर है, बीसी कैटेगरी में 108 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, फीमेल में अगर बात करते हैं बीसी कैटेगरी 105 के आसपास नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 107 के आसपास आपका नंबर आ रहा है मेल कैंडिडेट तो आपका भी सेफ स्कोर है, 104 के आसपास आपका नंबर आ रहा है फीमेल कैंडिडेट तो आपका भी सेफ स्कोर है, ईबीसी की बात करते हैं 100 के आसपास आपका नंबर आ रहा है मेल कैंडिडेट तो आपका भी सेफ स्कोर है, 98 के आसपास फीमेल कैंडिडेट का नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, एससी कैटेगरी की बात करते हैं 95 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर है, 90 के आसपास आपका नंबर आ रहा है फीमेल कैंडिडेट एससी में तो उनका भी सेफ स्कोर है, बात करते हैं एसटी कैटेगरी में 90 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, फीमेल में 85 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, इसमें -5 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ को बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में सीटों की संख्या 1673 है दोस्तों और इसका कोड है 207 है, इसमें थोड़ा सा फाइट कुछ ज्यादा दिखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते 115 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, फीमेल में 105 के आसपास नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, बीसी कैटेगरी की बात करते 110 के आसपास नंबर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर है, 100 के आसपास आपका नंबर आ रहा है फीमेल में तो आपका भी सेफ स्कोर है, सभी जो है दोस्तों ये आपको फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ में बता रहा हूं, फाइनल मेरिट सिलेक्शन जो होने वाला है उसका, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर 107 के आसपास नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ जोन में दोस्तों, एंड यहाँ पे फीमेल में 100 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, ईबीसी की बात करते हैं 98 के आसपास नंबर आपका आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है, एंड 95 फीमेल में अगर नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, एससी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों 95 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है, 90 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है फीमेल कैटेगरी तो आपका भी सेफ स्कोर है, बात करते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी का तो 90 के आसपास नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है मेल, एंड फीमेल 85 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो आपका भी सेफ स्कोर है, ठीक है, इसमें -5 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपके सामने आता है दोस्तों प्राणी शास्त्र का, प्राणी शास्त्र में यहाँ पे 729 सीट था, सीट बहुत कम था, इसमें टोटल जो है दोस्तों इसका कोड है प्राणी शास्त्र का 205 एंड सीट 723 था, जनरल कैटेगरी के वालों को 112 के आसपास नंबर आ रहा है तो ये आप सेफ स्कोर में मानिए, फीमेल में 108 के आसपास नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है, बीसी कैटेगरी में 110 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है, 105 यानी 105 के आसपास फीमेल कैंडिडेट का नंबर आ रहा है बीसी कैटेगरी में तो आप भी सेफ स्कोर में है, ईडब्ल्यूएस का 108 के आसपास नंबर आ रहा है मेल कैंडिडेट तो आप भी सेफ स्कोर में है, फीमेल में 103 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है, ईबीसी में 102 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है दोस्तों, मेल कैंडिडेट का फीमेल कैंडिडेट का 100 के आसपास नंबर आ रहा है तो ये भी आप सेफ स्कोर में मान के चलिए, ठीक है, एससी कैटेगरी में 95 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है, 90 के आसपास फीमेल कैंडिडेट का नंबर आ रहा है तो ये भी सेफ स्कोर में है, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 90 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो ये भी सेफ स्कोर में है, फीमेल में 85 के आसपास नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर मान के चलिए, -5 भी ये इसमें दिख सकता है दोस्तों क्योंकि ये स्टूडेंट के सर्वे के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ को बनाया गया है। नेक्स्ट आपके सामने आता है गणित का, गणित में सीट है दोस्तों 2104 सीट है, इसका कोड है 202, बात करते हैं जनरल कैटेगरी का 110 के आसपास नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर मानिए दोस्तों, फीमेल में 105 के आसपास नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर मानिए, बीसी कैटेगरी में 105 के आसपास नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर मानिए, फीमेल में 100 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर मानिए, ईडब्ल्यूएस में 98 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर मानिए, फीमेल में 95 के आसपास अगर नंबर आपका आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर मानिए, ठीक है, गणित वालों में दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा जो है ठीक ठाक दिखने को मिल सकता है। ईबीसी की बात करते हैं 95 के आसपास अगर नंबर आ रहा मेल कैंडिडेट तो यहाँ पे उनका जो है सेफ स्कोर इतना तक हो सकता है दोस्तों, 95 के आसपास फीमेल कैंडिडेट का अगर नंबर आ रहा है तो इनका भी सेफ स्कोर हो सकता है।
एससी कैटेगरी में 90 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है मेल में तो आप भी सेफ स्कोर में है, फीमेल में 86 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है, एसटी कैटेगरी में 85 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है, फीमेल में 80 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र में सीटों की संख्या 2221 है, यहाँ पे कोड है दोस्तों इस सब्जेक्ट का 204 है। इसमें अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी में 110 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में दोस्तों, 102 के आसपास फीमेल कैंडिडेट का नंबर आ रहा है तो ये भी आप सेफ स्कोर में मान सकते हैं, बीसी कैटेगरी में 105 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है मेल कैंडिडेट तो आप सेफ स्कोर मानिए, एंड फीमेल में 95 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर मानिए, ईडब्ल्यूएस में 100 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है मेल कैंडिडेट तो सेफ स्कोर में है, एंड 90 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है फीमेल कैंडिडेट तो आप भी सेफ स्कोर में है, ईबीसी में 95 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है, 85 के आसपास फीमेल कैंडिडेट का नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है, एससी कैंडिडेट का 87 के आसपास 87 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है, फीमेल में 75 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी सेफ स्कोर में है। बात करते हैं एसटी कैंडिडेट का, तो एसटी कैंडिडेट का 80 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो सेफ स्कोर में है, फीमेल कैंडिडेट में अगर 75 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है एसटी कैटेगरी में तो आप भी सेफ स्कोर में है। ठीक है दोस्तों, इसमें -5 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है मैं बता रहा हूं आपको स्टूडेंट के सर्वे, स्टूडेंट के कमेंट और सर्वे का जो यहाँ पे चलाया जा रहा था दोस्तों उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना तक अगर आपका नंबर है तो आप लोग सेफ स्कोर मानिए कि जो फाइनल सिलेक्शन मेगा सूची तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि आप आंसर की जो चेक किए हैं उसके अकॉर्डिंग कितना, अगर इसके बीच में अगर इसके आसपास भी नंबर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मानिए दोस्तों, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो होने वाली है वो कुछ इसी टाइप के कट ऑफ दिखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर इस मैं जो कट ऑफ बताया हूं इसके आसपास अगर -5 भी नंबर है तो आप भी अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है मैं आपको अभी जो बताया हूं 11, 12 का कट ऑफ एंड 9, 10 का कट ऑफ देखने के लिए इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दूंगा, वहां से भी उसका देख सकते हैं। और ऑब्जेक्शन सभी लोग, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन सभी लोग कर दीजिए, अगर किसी को किसी भी डाउट में प्रॉब्लम हो तो बेशक आप लोग ऑब्जेक्शन कर दीजिए, क्योंकि उसका जो है दोस्तों बेनिफिट जो है हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्शन जल्द से जल्द कीजिए कि, और उसमें जो है रिमार्क में जरूर रेफरेंस तगड़ा देना है दोस्तों, रेफरेंस अच्छा दीजिएगा तभी जो है आयोग को भी लगा कि हाँ इसका जो है सोल्यूशन सटीक ये हो सकता है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक बिहार का एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पे हमेशा आप लोग को जो है हमेशा बेहतरीन स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है प्रिपरेशन भी करवाया जाता है दोस्तों, एग्जाम जो होते रहते हैं महत्वपूर्ण उसका, और साथ साथ में क्लासेस का पीडीएफ फ्री में यहाँ पे दिया जाता है studyinyada.com पे, इस सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।